ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को अपने भविष्य की स्मृति को बार बार पक्का कराया और वर्तमान ब्राह्मण जीवन के लिए ड्रामा के पाठ को भी पक्का कराया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें किसी भी बात का फिकर नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। तो स्वयं को देखें ब्राह्मण स्वरूप में, मैं ब्राह्मण आत्मा, सदा फिकरों से परे रहने वाली। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं, इसी पढ़ाई से बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। तो तुम्हें ब्राह्मण जन्म में सदा ही स्वयं को निमित्त समझकर कर्म करने हैं। दूसरी स्मृति बाबा ने पक्की कराई, बच्चे बार बार ये याद रहे, इस पढ़ाई से हम नई दुनिया में जाएंगे, प्रिंस बनेंगे, नई दुनिया में जन्म लेंगे। तो अपना देवता ही स्वरूप सामने ले आए। ऐसे देवताई बेकर टू प्रिंस बन रहे हैं। बाबा ने स्वर्ग को याद कराया, बच्चे कितना सुख होगा, ऐसी दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अपने देव स्वरूप को बार बार सामने लाए और अनुभव करें, दिव्य गुणों को। ये मेरा देव स्वरूप, बाप आए ही है हमें विश्व का मालिक बनाने। ऐसी ऊंची स्थिति में स्वयं को देखें। अब स्वयं को अपने पूज्य स्वरूप में देखें। मेरा पूज्य स्वरूप, जिसमें भी मैं देवताई स्वरूप के द्वारा इष्ट देवी बन, इष्ट देव बन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं, बाप के साथ साथ शिव शक्ति बनकर भक्तों को संकल्पों से सकाश दे। अब फिर से आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में और इसी ब्राह्मण स्वरूप में स्वयं को एक चमकती आत्मा के रूप में देखे। आज बाबा ने कहा, बच्चे सदा स्मृति रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें साथ ले जाने। अब तो हम मरजीवा बन गए, तो सदा ही ड्रामा को याद करते संकल्पों को बचाना है।
इसलिए स्वयं को आत्मिक स्थिति में अनादि स्वरूप में देखने की प्रैक्टिस करते रहे। मैं अनादि आत्मा ब्राह्मण देह में बाप की छत्र छाया के नीचे अब अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने देखे। प्रकाशमय शरीर धारण किए हुए ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है, बिल्कुल डबल लाइट। इस स्थिति का अनुभव करें, ये जीवन मुक्त स्थिति है। आज बाबा ने कहा, बच्चे कर्म बंधनों के पिंजरे से मुक्त बनो, फरिश्ते बन जाओ, यही मर्जीवा स्थिति है। इस स्थिति में कोई मेरापन नहीं, बस मैं बाप के साथ कंबाइंड। ये फरिश्ता स्थिति में रहकर स्वयं को कार्यस्थल पर लाना है तो अपने ये पांचों ही स्वरूपों के साथ बाबा के आज के होमवर्क को पक्का करें। खुशी में रहना है, हर्षित रहना है, इसके लिए देव स्वरूप को सामने लाए, खुशी आ जाएगी। निश्चिंत रहना है, फिकर नहीं करनी है, ट्रस्टी बनकर रहना है तो फरिश्ते स्वरूप को ले आए। ये संपूर्ण स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है तो स्वयं को अनादि स्थिति में देखे। ब्राह्मण स्वरूप में ये नशा रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप हमें पढ़ाते हैं। बस बाबा ने कहा, बच्चे अब मुझे याद करो, देह के धर्म को छोड़ दो। इसी स्वरूपों की स्थिति से भक्तों को भी सकाश देते रहे। इससे हमारी अवस्था भी एक रस बन जाएगी। आज बाबा ने कहा, बच्चे एक रस अवस्था बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है तो बार बार इस देह रूपी घर से डिटेच हो जाए। और अपने फरिश्ते स्वरूप में चले जाए, घर चले जाए, वतन में चले जाए और फिर नीचे कर्म करने बाबा के साथ आए। जिसके भी साथ कर्म करे उनको भी आत्मा देखने की प्रैक्टिस करे। तो स्वतः ही संकल्प बच जाएंगे, यही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।